नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट की इस सीरीज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका इंडियन फिटनेस क्लब में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से लाठी को चलाया जाए। हालांकि इस पूरी वीडियो सीरीज में हमने अभी तक देखा कि किस तरह से लाठी को होल्ड किया जाए, आप अपने लिए एक परफेक्ट लाठी का किस तरह से चयन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ मैंने आपको एक दाव भी सिखाया है, जिस दाव का मैंने आपको बेसिक्स उसका एडवांस वर्जन, और इसी के साथ साथ मैंने आपको सिखाया है चलते हुए लाठी को किस तरह से चलाया जाए। तो आज हम बात करते हैं दाव दो की। दाव दो दाव एक से रिवर्स है, और जो मैंने पुरानी टेक्निक्स आपको बताई हैं, पुराने आपको दाव पेच बताया, उनको इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा, आप उनको मेरी पुरानी वीडियो से ही देख सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप पहली वीडियो को देखकर और लाठी चलाना पहले तरीके से सीख चुके होंगे। दूसरे तरीके का ये दाव पहले तरीके से रिवर्स है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से लाठी को घुमाते हैं, पुरानी वीडियो से ही रिलेटेड है, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से लाठी को घुमाते हैं नीचे की तरफ करते हुए। आप देखिए मेरे हाथ की पोजिशन को, लाठी को इस तरह से नीचे घुमाते हुए दूसरी तरफ से ऊपर ले आना होता है। बहुत सिंपल है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस तरह से एक हाथ को हम फ्री छोड़ते हैं, दूसरे से पकड़ा हुआ होता है, लाठी को कलाइयों की सहायता से घुमाते हुए पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं देखिए, थोड़ा सा स्लो मोशन में कुछ इस तरह, यानी कि लाठी को नीचे ले जाते हुए ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे हमने देखा, इसको हमने एक नीचे की तरफ से पकड़ा हुआ था, अब हम लाठी को बीच से पकड़ कर घुमाते हैं। तो बीच से पकड़ा हुआ है और यूजुअली लाठी को घुमा रहे हैं, आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करके आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं यदि आपकी स्मूथनेस लाठी घुमाने में हो जाती है। तो आप देख सकते हैं आराम से लाठी घुमाई जा सकती है। इसमें शोल्डर्स का भी यूज़ हो रहा है, आपके ट्रैप्स का, ट्राइसेप्स का, और आपकी रिस्ट का यूज़ हो रहा है। आपको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ, आप इस तरीके से भी नीचे से घुमाते हुए लाठी को उठा सकते हैं ऊपर की ओर। जस्ट वही है, थोड़ा सा फिनिशिंग और मूवमेंट्स का अंतर है। आप जिस तरीके से मैं आपको नीचे की तरफ करके दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से ऊपर की तरफ भी लाठी को घुमा सकते हैं। बट उसके लिए इस वीडियो का जो पहले पार्ट में मैंने आपको जो भी छोटा मोटा एक आइडिया दिया था कि भाई हाथों को किस तरह से रखना है, वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा लिया है, और ये लाठी को मैं ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ। तरीका वही है, बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर। तो बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही स्लो मोशन में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक हाथ से लाठी घुमाने की, तो उसके लिए आपको लाठी को बीच में से पकड़ना होगा, और नीचे से ऊपर ले जाते हुए बहुत आसानी से और सफाई से इस काम को करना होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, यानी कि इंडेक्स फिंगर, उसको और थंब के थ्रू आपको पकड़ना होता है, और बाकी हाथ को खोलना होता है लाठी को पकड़ने के लिए। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में एक हाथ को पूरा खोला था और दूसरा हाथ से पकड़ा था, उसी तरीके से हमको एक हाथ का काम अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से करना होगा, बाकी अपने हाथ का यूज़ करना होगा। और जब आप इतना सीख ही चुके हैं, तो पुरानी वीडियो की तरह ही इस वीडियो में आप लाठी को घुमाते हुए चल सकते हैं। बस आपको घुटने का और अपने कंधे का ध्यान रखना होगा। लाठी जिस तरफ से घूमेगी, उस तरफ का घुटना आपका पीछे होगा। तो ये वीडियो थी आपकी लाठी चलाने की रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन हिट ऑन द थम्स अप बटन। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट। Change your lifestyle because your health is in your hands.